नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। बस्ती टाइम में हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से, लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर खबरों की अपडेट मिले सबसे पहले आपको, और हमारी खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 ईदगाहवाड़ी में चल रहे निर्माण कार्य नाली का जो बहुत ही घटिया किस्म का हो रहा है और बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, जिसमें महिलाओं को बहुत ही परेशानी हो रही है। रोड से घरों के अंदर आने जाने में परेशानी हो रही है। नाली का निर्माण सही गुणवत्ता से नहीं हो रहा। बीच सड़क पर मिट्टी का ढेर लगा है, जिससे बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे कोतवाली बंद करवा, जो जेल में बंद करवा की कोशिश कर रहा है यार। ठेकेदार को नाम को पता नहीं है, मुझे जो ठेकेदार है। बताइए मैडम, जो आंगनबाड़ी क्यों बंद है? 2 महीने से आंगनबाड़ी बंद है, ये नली प्रॉपर बन नहीं रही है, काफी टाइम हो गया है। अच्छा, तो इस काम को जल्दी शुरू करवाएं। गर्भवती महिलाएं और बच्चों को बहुत सारी समस्या हो रही है, तो वो बच्चे खाना भी नहीं ले पाते, हमको दूसरी आंगनबाड़ी पे जाना पड़ता है जो कि थोड़ा आगे है, जिसकी वजह से वो बच्चे खाना लेने भी नहीं आ पाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद है। कौन हो आप? सहायिका? मैं आंगनबाड़ी सहायिका हूँ, ईदगाहवाड़ी से। जो है के पास जा रहे हैं अपनी समस्या बताने के लिए, और हम यही चाहते हैं आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जो है ये समस्या बाढ़ की बहुत गंभीर है, इस बात को उठाया जाए। प्रशासन शासन प्रशासन से ये मेरा जल्दी जल्दी उचित गुणवत्ता के साथ ये काम पूरा कराया। आपका नाम सर? हेमंत सिंह कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा समाज।